कैसे बैटिंग और ये विकेट कीपिंग की जो समस्या है इसका हल निकालेंगे? मुझे लगता है कि मैंने जो गुरबाज की बल्लेबाजी देखी बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत अग्रेसिव है, थोड़ी सी एमएस धोनी की भी थोड़ी सी एक कॉपी जैसी है, और शायद उसी के लिए मुझे वो पसंद है। जो भी है, और अभी अभी देखिए, जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ उसके बाद में जो उन्होंने काम किया, मतलब जो रास्ते पे सोने वाले थे उनके यहाँ जाकर उन्होंने जो पैसे दिए, उसके लिए तो यार बिल्कुल मेरे लिए वो तो टीम में होना ज़रूरी है। कीपिंग की समस्या जो है वो इम्पैक्ट सबके साथ भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है तमिलला गुरबाज, लेकिन अगर उनके साथ नहीं जाना चाहते और कहते हैं कि केकेआर हम इंडियन विकेट कीपर को इम्पैक्ट सब की तरह यूज़ करेंगे, तो फिर जेसन रॉय को खिला सकते हैं। जेसन रॉय ने पिछले साल अच्छा काम किया था, और मनीष पांडे को भी ऊपर बल्लेबाजी करा सकते हैं, एक वो ऑप्शन हो सकता है। स्पीकर बस नंबर तीन पे आ जाए, फिर वो नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, वो रिंकू सिंह और एंड्रे रसल वो गेम को फिनिश कर सकते हैं बाद में जाके। तो बैटिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से इवेंचुअली सेटल हो जाएगी, स्पेशली श्रेयस अय्यर के आने से। श्रेयस अय्यर के आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा एज ए कैप्टन, और वो जो आते ही स्पिन बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो इसी वजह से मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि कौन सी पिचेस केकेआर खेलेगी।